सभी एक साथ उज्जवल भविष्य की ओर चलें। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका मूल लक्ष्य है कि अध्यात्म विज्ञान के समन्वय से कैसे उज्जवल भविष्य आएगा, कैसे विश्व शांति संभव हो सकेगी, उसी की बात करेंगे। कि गायत्री महामंत्र जो हमारे लिए ज्ञान और विज्ञान के समन्वय का एक गूढ़ मंत्र है, इसमें तंत्र भी है सो मंत्र भी है, और दोनों चीज़ों का बड़ा सार्थक समन्वय है। ऐसे गायत्री मंत्र जो सूर्य की साधना का मंत्र है, सुंदर प्रेरणाएं देने के कारण सूर्य सुइर, सुंदर प्रेरणाएं देने के कारण। और सूर्य जो है वो वास्तव में गायत्री मंत्र का देवता भी है, इसीलिए हम उसकी उपासना करते हैं। सूर्य देवता सही अर्थों में हम लोगों को प्राण देने वाले हैं, प्राण पोषण करने वाले हैं। पोषण करने के कारण इनका नाम सविता पड़ा, सविता प्रसविता पोषण करने वाले देवता, इसलिए सूर्य का नाम है। सूर्य की साधना का मंत्र गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे शिक्षक वृंद भाइयों बहनों, और सही अर्थों में आप ही लोग राष्ट्र निर्माता हैं और आप ही के माध्यम से छात्र का भाग्य बनता है। आप सभी सुधीजन जो शांति कुंज का तीर्थ सेवन करने भी आए हैं और यहाँ कुछ लेने भी आए हैं। आज संसार में अगणित समस्याएं हैं। अगर हम देखें तो स्वेच्छाचार से लेकर विभिन्न प्रकार की जो एक प्रकार की अराजकता की जो स्थिति सी जो आ गई है चारों तरफ, जहाँ देखते हैं अनुशासनहीनता, जहाँ देखते हैं अराजकता, जिसके मन में जो आता है वो बोलने लगता है। ये जो जितनी भी परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं उसका मूल कारण अगर हम खोजने की कोशिश करें तो मूल कारण खोजने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो पिछले दिनों 300-400 सालों में जो प्रत्यक्षवाद पनपा है, प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष है वही सब कुछ ठीक है, बाकी जो तात्कालिक लाभ है वही सबसे बढ़िया लाभ का सौदा है। घाटे का सौदा कौन सा है जिसमें दूर कभी लाभ मिलता हो? ईमानदारी क्या है? घाटे का सौदा है। बेईमानी क्या है? तात्कालिक लाभ का सौदा है। ये प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानना कि प्रत्यक्ष ही जो कुछ मिल रहा है वो सब कुछ, भोगवाद ही सब कुछ है, और ये सारी की सारी देन जिस फैकल्टी ने दी है उस फैकल्टी का नाम है विज्ञान। मित्रों, मैं विज्ञान को गाली नहीं दे रहा हूँ, विज्ञान की बहुत तारीफ भी करूँगा। मैं वैज्ञानिक हूँ, मैंने विज्ञान क्षेत्र में पढ़ाई की है और बड़ी ऊँचाई तक जाके मैंने पढ़ाई की है, और उसके बाद भी यहाँ आने के बाद भी निरंतर विज्ञान पढ़ता रहता हूँ, पढ़ाता भी रहता हूँ। पर विज्ञान की जो उपलब्धियाँ हैं उनकी तुलना में विज्ञान ने जो एक नास्तिकवाद पैदा किया, विज्ञान ने कह दिया ईश्वर मर चुका, ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं देखने। नीत्से ने कहा ईश्वर मर चुका। नीत्से बड़ा विद्वान आदमी था, बहुत बहुत इंटेलिजेंट, पर जैसे होता ना कि अधकचरे व्यक्ति को जो थोड़ा सा टैलेंटेड भी है, सब कुछ है, अचानक कहीं फील्ड में डाल दिया जाए और नाड़ियों मल 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 नाड़ियों की मल शुद्धि नहीं हुई हो, संस्कारों की शुद्धि नहीं हुई हो, तो वो क्या करेगा? वो पागल हो जाएगा। तो पागलपन की स्थिति में जाकर के उसने लिख दिया कि ईश्वर मर चुका है, अब ईश्वर जिंदा नहीं हो सकता। नीत्से ने जो कहा वो पिछले 300 साल का कहा हुआ ऐसा वाक्य है जिसको कि साइंस ने भी प्रूव किया। साइंस ने कहा देखिए ईश्वर को दिखा सकते हैं आप, ईश्वर कहीं दिखाया जा सकता है, ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो भी कुछ है प्रत्यक्ष,
और प्रत्यक्ष जो दिखाई दे वही सब कुछ है। आप बताइए, ईश्वर को दिखाइए। टेलीस्कोप हमने बना के रख दिया, आप बताइए कि क्या आप ईश्वर को दिखा सकते हैं टेलीस्कोप से? माइक्रोस्कोप हमने बना दिया, क्या आप दिखा सकते हैं आत्मा को? आत्मा को दिखाइए, चक्रों को दिखाइए, आपके अंदर जो भावनाएं हैं उनको दिखाइए, आपके अंदर चिंतन चल रहा है उसको दिखाइए। ये नहीं दिखाया जा सकता। मेरे ऊपर हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, हवा चल रही है, आप लोगों को हवा लग रही है। अब आप मुझसे कहें कि आप तो वैज्ञानिक हैं, आप हवा को दिखाइए, तो मैं आपसे कहूँ कि हवा को दिखाया नहीं जा सकता, हवा की अनुभूति कराई जा सकती है। हवा अनुभूति का विषय है। जब हवा अनुभूति का विषय है तो हवा को अनुभव कीजिए, गर्मी को अनुभव कीजिए, शीत को, ताप को अनुभव कीजिए। एयर कंडीशनर की हवा आती, कूलर की हवा आती तो अनुभव करते हैं, पर कोई कहे दिखाओ इसको, नहीं वहाँ से चली ये आ रही देखिए ये आई, ये यहाँ तक आई, तो आप नहीं दिखा सकते। इसी तरह से ईश्वर को नहीं दिखाया जा सकता, इसी तरह से ईश्वर की विभूतियों को नहीं दिखाया जा सकता, इसी तरह से ईश्वर के चमत्कारों को भी नहीं दिखाया जा सकता। हाँ, वो होते रहते हैं, पर उन सब के पीछे जब अवैज्ञानिक अध्यात्म पड़ जाता है, धर्म पड़ जाता है, तब दिक्कत आती है। अवैज्ञानिक धर्म उसको कहते हैं जो बिना किसी प्रमाण के कुछ भी चीज़ को, बाजीगरी को, जादूगरी को अध्यात्म के बैठता है। इसलिए दो फैकल्टी जो हैं, इन दोनों फैकल्टी को समझना बहुत जरूरी है। प्रत्यक्षवाद पर आधारित विज्ञान, भोगवाद पर आधारित विज्ञान। इसने कहा मांसाहार करने में क्या नुकसान है भाई? मांसाहार से तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा। यौन स्वेच्छाचार में क्या नुकसान है? यौन स्वेच्छाचार चलना चाहिए। इसने कहा कि वृक्षों को काटने में क्या नुकसान है? विकास होगा, ढेर सारा पेड़ पौधे कटेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम नए मकान बना देंगे, बड़े बड़े बना देंगे, और हम नकली पेड़ पौधे लगा देंगे आपके लिए, डेकोरेशन कर देंगे, आपके यहाँ गमले लगा देंगे छोटे छोटे, उसमें क्या देखें। ये विज्ञान ने सोच दी आज के विकास की, जो उस विकास को हम विनाश कह सकते हैं। इसलिए मित्रों, ये मैं विज्ञान को कहता हूँ कि विज्ञान बुद्धिवाद से पनपा है, और बुद्धिवाद जो है, दो शब्द हैं, बुद्धिवाद और बुद्धि योग। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ददामि तम बुद्धि योगम येन मामुप्यान्ति ते, जो मेरी शरण में आते हैं मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा मैं बुद्धिवाद देता हूँ, मैं बुद्धि योग देता हूँ। जो भगवान से मिलकर के अंदर चली जाए वो बुद्धि योग, और जो भगवान के रहित होकर के जाए वो वाद। वाद विवाद शब्द है ना, वो बुद्धिवाद। तो बुद्धिवाद जो है उसने ये सोच दी है कि विज्ञान का मतलब है हर चीज़ों का उपयोग किया जाए, हर चीज़ों का उपभोग किया जाए, उपयोग भी नहीं उपभोग किया जाए। कंज्यूमरिज्म, हर चीज़ को भोगना है, चाहे वो नारी हो, चाहे वो जंगल हो, जड़ी बूटियां हो, चाहे वो हमारे अन्न अनाज हो, जिन विभिन्न प्रकार की चीज़ें हों, चाहे वो पशु हो, सबका जो भोग करना है हमको, ये सारा का सारा जो सोच है ये विज्ञान की सोच है। विज्ञान का अगर हम उद्भव देखें तो बहुत पुराना है। विज्ञान तो हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत पुराना है, पर जो आधुनिक विज्ञान है ये 3 शताब्दी है, 19, 20, 21, इसके पहले 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में सबसे पहले जो आविष्कार हुआ वो केमिस्ट्री का आविष्कार हुआ, रसायन शास्त्र में केमिकल्स का समुच्चय है, पूरी बॉडी हमारी, दो केमिकल को मिलाते हैं तो ये बनता है, ऐसे करके खोजें होने लगी और देखते देखते लोगों को पुरस्कार मिलने लगे। 19वीं शताब्दी में मित्रों फिजिक्स की खोज हुई, गणित की खोज हुई, और फिजिक्स और गणित ने मिलकर के आदमी को तर्क सिखाया, विधि व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मांड विज्ञान सिखाया। हम लोग क्या पता लगा सकते हैं अपने आसपास के बारे में, अपनी बॉडी फिजिक्स के बारे में क्या पता लगा सकते हैं, ये 19वीं शताब्दी ने सिखाया। 20वीं शताब्दी ने हमको ये दिखाया कि बायोलॉजी ऑफ द बॉडी क्या होती है, बायोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड बायोलॉजी ऑफ द एनिमल बींग्स क्या होती है। आदमी की कॉन्शियसनेस को समझना है तो कैसे समझें, तो कॉन्शियसनेस के लेवल पे हम 20वीं शताब्दी में आ गए। और इसके अलावा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। इसके अलावा मन और शरीर दोनों मिलते हैं, अगर आपका मन बीमार है तो शरीर भी बीमार हो सकता है। ये पहली बार 1960-1965 में एक सिद्धांत सामने आया कि माइंड बॉडी मेडिसिन होती है। माइंड बॉडी मेडिसिन में मन अगर बीमार है तो आपके पेट में अल्सर हो सकता है। अरे मन से पेप्टिक अल्सर का क्या मतलब, मन से हार्ट अटैक का क्या मतलब, मन से दमे का क्या मतलब, मन से पीठ के दर्द का क्या मतलब, ये सिद्ध हो गया। स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स प्रूव हो गया।
प्रूव होने के बाद ये लोगों को पता लगने लगा कि नहीं, देर इज़ समथिंग डीपर, कहीं ना कहीं कोई गंभीर गहरी चीज़ है जिसको हमें जानना चाहिए। धीरे धीरे विज्ञान ने और विकास किया। मैं एक विज्ञान के विकास की यात्रा बता रहा हूँ कि विज्ञान ने शुरुआत कहाँ से की थी, केमिकल्स, छोटे छोटे केमिकल्स, एटम पार्टिकल, इनसे वहाँ से खोज करते करते ये 20वीं शताब्दी में हमारे पास ये चीज़ें आईं कि बहुत कुछ हमारे पास है, बहुत कुछ हमारे पास है, पर हम जानते नहीं उसके बारे में। वो क्या है, वो क्या है? तो हमारे बीच में एक ऐसा युग आया जिसमें कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस आए 1836 में, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद आए, रमन महर्षि आए, उसके बाद महात्मा गांधी आए जिन्होंने सबको राम नाम दिया, जिन्होंने कहा कि राम नाम लो भी, राम नाम का, राम का नाम का, जब जीते जागते बोलते चलते जब देखो तो राम नाम लेते रहो। हमारे अन्ना हजारे आए थे भी मिलने के लिए, तो हर दो मिनट में उनके मुँह से सहज रूप में राम नाम निकलता है, सहज रूप में राम। बात करते करते हमने कहा, हमने कुछ कहा? बोले नहीं, राम कहा मैंने, राम और कुछ नहीं, राम। बोले गांधी जी का चेला हूँ ना, तो मैं राम बोलता रहता हूँ, सहज रूप में राम बोलता रहता। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि कम से कम एक आदमी तो गांधी को जी रहा है सही अर्थों में। तो उन्होंने राम नाम दिया हमको, गांधी जी ने। हमारे यहाँ संतों की श्रेणी आई, संत ज्ञानेश्वर भी आए थे, संत कबीर भी आए, समर्थ गुरु रामदास भी आए, पर जो असली क्रांति शुरू हुई है रामकृष्ण परमहंस से शुरू हुई है, जिसको आध्यात्मिक क्रांति कह सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस आज से 112 साल, 175 साल पहले आए थे, 175 ईयर्स पहले, और उनके आने के साथ साथ एक ऐसा क्रांतिकारी युग स्टार्ट हो गया जिसमें कि एक गहन चिंतन की जिज्ञासा वाला एक युवा आया जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त। उसने पूछा सीधा, क्या मुझे आप दिखा सकते हैं भगवान? सीधा आ जा, वो उछल पड़े, रामकृष्ण परम उछल पड़े। पहली बार एक आदमी आया जिसने की बात पूछी, वो तो कई बार पूछ चुका था ब्राह्मण समाज में, सबके सब कहते थे हम डिस्कस कर सकते हैं, हम लेक्चर दे सकते हैं ईश्वर के ऊपर, पर हम बता नहीं सकते उसके बारे में, दिखा नहीं सकते हम तुमको। पहली बार एक ऐसा आदमी मिला जो पूछने आया, जिज्ञासु भी पहला और बताने वाला भी पहला, दोनों के दोनों अनुभूत सत्य वाले, अनुभूत सत्य। अनुभूत सत्य का नाम है अध्यात्म, अनुभूत सत्य, जो सत्य को अनुभूत कर सके, अपने जीवन में जो उतार सके, वो अध्यात्म है। और वो आध्यात्मिक महापुरुष, दो का मिलन हुआ, और दो के मिलन से, गुरु शिष्य के मिलन से एक अनोखा अनूठा संगम तैयार हुआ जिसने कि आधुनिक भारत की नींव रखी। आज का जो भारत, आध्यात्मिक भारत, जो कि विकसित भारत, जमाने को बदलने वाला भारत, 21वीं सदी को उज्ज्वल भविष्य लाने वाला भारत, इसकी नींव रखने वाले ये दोनों महापुरुष थे। तो गुरुदेव ने 1967 की अखंड ज्योति में बड़े विनम्र भाव से लिखा, गुरुदेव उनने कभी अपने आप को अवतार नहीं कहा, पर गुरुदेव ने कहा प्रज्ञा अवतार 10वां अवतार है, इसके तीन चरण हैं। पहला चरण है रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, दूसरा चरण है श्री अरविंद रमन महर्षि रमन, और तीसरा चरण है हमारी युग निर्माण योजना। गुरुदेव ने अपने आप को नहीं बोला हमारी युग निर्माण योजना। मित्रों, हम लोग प्रज्ञा अवतार के तीसरे चरण में से गुजर रहे हैं, और इस तीसरे चरण में हमारे सामने से करीब 150 साल की यात्रा पूरी हो गई। स्वामी विवेकानंद के जन्म को लिए 150 साल हो गए, इस साल 150 साल मना रहे हैं। तो ये जो विज्ञान की यात्रा है, इस बीच बहुत तेज गति से चली है। विज्ञान अब जो है वो मानसिक तरंगों के माध्यम से चिकित्सा की बात करने लगा है, विज्ञान अब प्रेयर हीलिंग की बात भी मानने लगा है, विज्ञान ये भी मानने लगा है कि अगर आप उस कोने में, धरती के उस कोने पर आप प्रार्थना करेंगे तो इस कोने पर लाभ मिलेगा। विज्ञान ये भी मानता है कि मनुष्य का जो मन है वो विराट मन भी बन सकता है, समष्टिगत मन भी बन सकता है, और समष्टिगत मन के साथ जुड़ करके उनकी हीलिंग भी कर सकता है, उनकी चिकित्सा भी कर सकता है। एक व्यक्ति महर्षि रमन नाम का एक बंद कमरे में बैठ करके चिंतन करता है, वहाँ बैठे बैठे सारी दुनिया को हिलाता है। एक व्यक्ति श्रीराम शर्मा आचार्य नाम का, यहाँ की शांति कुंज की तपती हुई गर्म बिल्डिंग में ऊपर वाले कक्ष में अकेला बैठा हुआ है, और बैठे बैठे बोले मेरे विचार यहाँ से निकलेंगे और क्रांति का धमाका करेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने कहा गुरुदेव आप बाहर निकलें, आप बाहर जाके यात्रा करें, हम लोगों ने नहीं बोला, कई बार बोला। तो गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, मेरे जाने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे विचार ही जा रहे हैं, फटाका कर रहे हैं, बम फटाका कर रहे हैं, पूरी तरह सब जगह धमाका कर रहे हैं। तो मित्रों, ये जो विचारों की शक्ति है, जो विचार दिखाई नहीं पड़ते, विचारों की अतुलनीय सामर्थ्य, विधेयात्मक विचारों की अतुलनीय सामर्थ्य है, जो व्यक्ति को बल देते हैं, व्यक्ति को प्रसन्नता देते हैं, व्यक्ति को आशावाद देते हैं, व्यक्ति को आत्मविश्वास देते हैं, व्यक्ति को ईश्वर के प्रति विश्वस्त आस्था डेवलप करने के लिए मोटिवेट करते हैं।
ये अध्यात्म की शक्ति उभर कर आई है पिछले 150 साल में। इसके पहले गुरुदेव कहते हैं, इसके पहले जो अध्यात्म था वो कर्मकांड तक सीमित था, इसके पहले जो अध्यात्म था वो दर्शन तक सीमित था, मेटाफिजिक्स तक। मेटाफिजिक्स और किताबों और बाकायदा आपको मालूम होगा कि वाद विवाद हुआ करते थे संतों के, ऋषियों के, सबके, यहाँ तक शंकराचार्य को भी वाद विवाद में उलझना पड़ा। वाद विवाद हुआ करते थे पर जनहित के काम के लिए केवल संत ही निकला करते थे। संत और जिनको भूसुर कहा जाता था, भूमि के देवता, साधु ब्राह्मण, और ये जनता के हित के लिए बातें करते थे, जगह जगह कथा सत्संग करते चलते थे, जनता को लोक हित की प्रेरणाएं देते थे। और तरह तरह के, ये पिछले 150-200 साल की बात बता रहा हूँ मैं, जो हमारे यहाँ तक कि ये आज़ादी का जो आंदोलन चला, इस आज़ादी के आंदोलन में भी ढेर सारे संतों ने भूमिका निभाई। एक बाबा थे, बाबा राघव दास, उन्होंने एक चौपाई, रामायण की चौपाई, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सोन अवसी नरक अधिकारी, जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक को प्राप्त होता है। उन्होंने एक चौपाई को आधार मान करके जगह जगह एक विप्लव नाद कर दिया, आंधी कर दी, पैदा कर दी, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश पैदा करने के लिए रामायण रामचरितमानस को उन्होंने आश्रय बना लिया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अध्यात्म आज आया, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, अध्यात्म तो हमारे जीवन में रोम रोम में कण कण में है, पर ये जो विज्ञान आया ये इतनी तेज़ी से आया कि इस विज्ञान ने आकर के हमारे सोच को ही कुंठित कर दिया, गड़बड़ा दिया, और इस सोच को कुंठित करके, गड़बड़ा करके हमारे अंदर एक आकर्षण पैदा कर दिया कि ये तात्कालिक आकर्षण है, ये लोभ है, इसको देखना चाहिए। इसके जैसे मॉल्स हैं, जैसे मल्टीप्लेक्स हैं, जैसे टीवी है, कलर टीवी है, जैसे सिनेमा है, और जैसे चलती फास्ट चलने वाली गाड़ियाँ हैं, जैसे बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े जो घर जिनको हम बनाते हैं, और जैसे दुनिया भर की जो आज सेवाएं चालू हो गई हैं, तरह तरह की सेवाएं चालू हो गई पूरे देश में, पूरे विश्व में, तरह तरह की यात्राएं। आपको अगर मान लीजिए सैटेलाइट में यात्रा, सैटेलाइट के माध्यम से यात्रा करनी है और कुछ दूसरे ग्रहों की यात्रा करनी है, अभी से नाम नोट करा दीजिए, 8-10 साल के अंदर ही संभव हो जाएगा कि कोई भी जा सकता है। लाखों डॉलर आपको देना पड़ेंगे और आप जा सकते हैं, पैसा जिसके पास है वो जा सकता है। ये सारे आविष्कार विज्ञान के हैं, पर मित्रों विज्ञान के आविष्कार मानवता का कितना उद्धार कर पाए। विज्ञान के आविष्कारों ने हमें बहुत कुछ दिया, विज्ञान के आविष्कारों ने हमें सभ्यता दी, विज्ञान के आविष्कारों ने रेलवे दी, विज्ञान के आविष्कारों ने फास्ट चलने का साधन दिया। विज्ञान का मतलब है गति, गति से होती है प्रगति, और प्रगति से हम चलते हैं गंतव्य की ओर, गति प्रगति गंतव्य, गंतव्य ने लक्ष्य जहाँ तक पहुँचना है हमको। तो विज्ञान ने जो सबसे बड़ा आविष्कार दिया वो गति का दिया, डायनेमिक्स, तेज गति। पर तेज गति में यदि नियंत्रण न हो तो क्या होगा, टकरा जाएगा। आज इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अब आप देखिए जितनी सीमा नहीं है सड़कों की उतनी ज़्यादा कारें हैं, एक मॉडल से काम नहीं चलता तो 1000 मॉडल हैं, और वो 1000 मॉडल पूरे पूरे सड़क पे छाए पड़े हैं, पूरे पूरे यहाँ से वहाँ तक, जहाँ बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चल रही हैं। मैं तो कई बार भुक्तभोगी बन चुका हूँ कि मतलब बेटर है तो आप 5 किलोमीटर की 2 किलोमीटर डिस्टेंस है आप पैदल चल लीजिए, आपका व्यायाम भी हो जाएगा, मैं तो कार में यदि आप जा रहे हैं तो नहीं जा सकते, इसके बजाय मेट्रो ले लीजिए, इसके बजाय आप बस ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए साधन। पर विज्ञान ने गति तो दी, पर गति के साथ प्रदूषण भी दिया, गति के साथ ट्रैफिक जाम भी दिया, गति के साथ समय का अपव्यय कराना भी चालू किया, गति के साथ ढेर सारे एक्सीडेंट्स दिए, कई लोग अकाल स्थिति में हमारे बीच में से चले गए एक्सीडेंट्स के कारण। मैं जानता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिनकी एक्सीडेंट से डेथ हो गई। गति युवा रक्त होता है, आप लोग युवाओं बच्चों से डील करते हैं, बाइक दिलवा दी माता पिता ने, मैं सबसे ज़्यादा उन माता पिताओं से नाराज़ होता हूँ कि बच्चे को तुमने योग्यता देने के बजाय बाइक क्यों दिलवा दी, सब जाएगा कैसे, अरे तो बस से चला जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, उसको मेहनत करने दो। लाल बहादुर शास्त्री तो नाव का पैसे नहीं थे तो तैरते हुए जाते थे, गंगा को तैरते हुए पार करते थे और पढ़ के वापस लौट आते थे। तो ऐसा नहीं कर सकते कि मेहनत इतनी नहीं कर सकते बच्चे आपके, नहीं आप तो बाइक दिलवाएंगे और फिर रोते रोते 3-4 महीने बाद आते हैं कहते हैं सब एक्सीडेंट हो गया और हेड इंजरी हो गई और डेथ हो गई। ऐसे न जाने कितने कार्यकर्ता अपने आ चुके हैं अपने पास। मित्रों गति खतरनाक है, गति पर अंकुश नहीं होता, और गति पर अंकुश न होने के कारण विज्ञान ने
इतना नुकसान किया है, इतना नुकसान किया है मित्रों, कि ढेर सारे आविष्कार अगणित प्रकार के आविष्कार कर दिए। अणुधर्मिता, वो उत्तर कोरिया लिए बैठा है, ईरान लिए बैठा है, और ढेर सारे न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं इस बीच जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ऐसा कुछ काउंटिंग देख रहा था मैं पूरे के पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो लगभग 250-300 प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं, न्यूक्लियर जो परमाणु बम हैं, वो विभिन्न 6-7-8-10 देशों में बिखरे पड़े। कब कौन सिरफिरा पागल उनका उपयोग कर दे और कब क्या कर दे मालूम नहीं। परमाणविक ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग भी किया जा सकता है, परमाणु के विस्फोट से शांति के उपयोग में भी काम मिलाया जा सकता है, परंतु जो उसका विकिरण का जो कचरा निकलेगा उसको डिस्पोजल की समस्या पहले सोची क्या आपने? नहीं सोची। गंगा का जल है, विभिन्न नदियों का जल है, अविरल बहना चाहिए ताकि सबको जल में प्लावन करने का मौका मिले, अपने पापों को शुद्ध करने का मौका मिले। और जल जब गंगा केवल चलती नहीं है, बहती बहती न जाने कितनी चीज़ों को ले जाती है यहाँ से समुद्र तक। हमने उसको बांध दिया, जगह जगह बांध दिया, क्यों? हमको बिजली चाहिए, बिजली नहीं होगी तो हमको बांध नहीं होंगे, बांध नहीं होंगे तो बिजली नहीं होगी, बिजली नहीं होगी तो हमारा एसी नहीं चलेगा, हमारा पंखा नहीं चलेगा, कैसे काम चलेगा? मित्रों, सीमित प्रयोग, विज्ञान पे अंकुश होना चाहिए, नीतिमत्ता का, बुद्धिमत्ता पर नीतिमत्ता का नियंत्रण नहीं होगा तो विज्ञान असीम यात्रा अपनी घुड़दौड़ करता चला जाएगा। गुरुदेव ने उसमें विज्ञान की अच्छी बखिया उधेड़ी है खूब, और ये कहा है कि विज्ञान ने हमें दिया नहीं, ऐसी बात नहीं, बहुत दिया है, पर विज्ञान ने जो हमें दिया है नास्तिकवाद, बुद्धिवाद, परोक्षवाद, भोगवाद, अकल है नहीं और यूज़ करने की अकल है नहीं और हम लिए बैठे। दिल्ली का अनगढ़ विकास, हरिद्वार का अनगढ़ विकास, जहाँ देखिए आप चले जाइए, कॉलोनीज पे कॉलोनीज डेवलप होते चले जाइए, आप जहाँ से आए हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जगह देखिए आप। मैं मध्य प्रदेश में पढ़ा हूँ, इंदौर से मैंने पढ़ाई की अपनी, मैं उस इंदौर में पढ़ा हूँ जिस इंदौर में हरियाली हरियाली थी, और उस इंदौर में चलना अपने आप में इतना सौभाग्य था कि हरियाली के माध्यम से ऑक्सीजन भी मिलती थी, हम एंजॉय करते थे। हम जाते थे पिपलियापाला नाम की एक जगह थी, पिकनिक स्पॉट थी या पाताल पानी थी, वहाँ जाते तो पानी मिलता था ताया ताया, परंतु अब वहाँ पानी नहीं है, पानी सूख गया है, पानी के स्रोत सूख गए, सोर्स पे ही कचरा इतना जमा हो गया है कि नहीं है, और कंस्ट्रक्शन हो गया, निर्माण हो गया, निर्माण सामग्री का कचरा सारा वहाँ डाल दिया गया है, कचरे के डिस्ट्रीब्यूशन की कोई तंत्र, कोई व्यवस्था नहीं है। यानी अगर विज्ञान ये कर सकता है, निर्माण करा सकता है, तो विज्ञान व्यवस्था क्यों नहीं करता? विज्ञान बुद्धिमत्ता के साथ ये क्यों नहीं सोचता कि इसके लिए हमें इतने इतने सारे तंत्र सोचने पड़ेंगे। गंगा पे बांध बनाने के लिए मना नहीं करता मैं, पर बांध बनाने के साथ साथ 40% धारा अगर अविरल बहती रहे तो वो अविरल बहती हुई धारा शुद्ध होती हुई सारे वहाँ तक जाती हुई न जाने कितने लोगों को, लाखों लोगों का उद्धार करेगी, जैसे 60 लाख सगरश्रुतों का उद्धार किया था। तो मित्रों, ये जो विज्ञान है ये दिशाविहीन विज्ञान है, ये विज्ञान दिशाविहीन विज्ञान है। हमारी मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार आ गए, बहुत सारे आ गए। मैं जिन दिनों पढ़ता था मित्रों, उन दिनों तो मेरे पास मतलब उन दिनों मैंने टीवी भी नहीं देखा था। मैं आज बिरानी जी से बात कर रहा था कि आज के बच्चे टीवी के सामने बैठ करके पढ़ते हैं और टीवी के सामने बैठ कर सब कुछ करते हैं, और टीवी एक माध्यम भी बना रचनात्मक चीज़ें देने का बहुत कुछ, पर टीवी ने 80% नुकसान किया, 20% लाभ किया, मैं समझता हूँ इतना। टेलीविज़न आया, कलर टीवी 1982 में आया, 77 में मुझे ऐसा अंदाज है, जो मैंने पहला एक वर्ल्ड टेबल टेनिस मैच हुआ था 67-68 में, वो मैंने बॉम्बे में देखा था, पहली बार एक टीवी सेट देखा था मैंने, जब मैं बॉम्बे वीज़ा के लिए गया हुआ था तब मैं पहली बार मैंने एक टीवी सेट देखा था। मैं था उस समय 17-18 साल का था, और तब तक मैंने नहीं देखा था, मेडिकल में आने के पहले नहीं, उसके बाद भी नहीं देखा मैंने। यहाँ आने के बाद मैंने, जब बाद में मैं बाहर यहाँ के काम से बाहर निकला, तब जाके मैंने देखा कि राजीव गांधी कलर टीवी ले आए हैं, कलर टीवी की सेट क्रांति हो गई। और मित्रों, 1980 से लेकर ये जो 33 साल है, इन 33 सालों में देश का जो मौलिक नैतिक पतन हुआ है, वो वास्तव में पतन इतना ज़्यादा है कि आज हज़ारों चैनल उपलब्ध हैं, हज़ारों चीज़ें उपलब्ध हैं, मोबाइल आ गए, इंटरनेट आ गया, सब कुछ आ गया, हर चीज़ इतनी तेज़ी से हो गई कि हर एक के मोबाइल पे इंटरनेट अवेलेबल है, और आप तरंगों से घिरे हुए हैं, कृत्रिम तरंगों से। अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन से घिरे होते तो मैं बड़ा आपकी तारीफ़ करता हूँ, परंतु आपके चारों ओर पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पास नेगेटिव करेंट्स हैं सारे के सारे, चारों तरफ हमारे तरंगों का संसार है। मोबाइल टावर है, मोबाइल टावर तरंगे फेंकता है,
तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि चिड़िया, गोरैया, कोयल, इनकी आवाज़ सुननी बंद हो गई। आपको सुनाई पड़ती है आपके गांव में, आपके घरों में? क्यों सुनाई पड़ती है? शांति कुंज में सुनाई पड़ जाएगी आपको, यूनिवर्सिटी में सुनाई पड़ जाएगी, पर वैसे नहीं सुनाई पड़ेगी। क्यों? ये सब चले गए रेडिएशन की वजह से, जो उसका प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से। विज्ञान ने जो नुकसान किया है वो ये नुकसान किया है कि हमारा प्राकृतिक जीवन छीन लिया है, प्राकृतिक पर्यावरण हमारा छीन लिया है। हमारा जो आपस की समरसता थी, आपस की मिलने की जो बात थी, वो समाप्त हो गई। हम आपस में चिट्ठी लिखा करते थे, चिट्ठी लिखना बंद हो गया है। क्यों? फ़ोन से, मोबाइल से बात करें। कल ही तो बात की थी आपको, क्या चिट्ठी लिखूँ? सब ठीक तो था, कल 5 मिनट बात की थी आपसे, और ज़्यादा बात करनी तो 15 मिनट और बात कर लें, 10 मिनट। अरे, जो मोबाइल से बात करने में जो आनंद नहीं है वो चिट्ठी में आनंद है। इंटरनेट से लिखी हुई चिट्ठी में जो आनंद नहीं है वो हाथ से लिखी हुई चिट्ठी में आनंद है। वो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, ऐसा था ना, बड़े दिनों के बाद, ऐसा एक गाना हुआ करता था। मित्रों, मेरे पिताजी 90 साल के वृद्ध हैं, हाईकोर्ट जज रह चुके हैं, बहुत लर्नड आदमी रह चुके हैं। अभी इस समय उनकी स्थिति परमहंस जैसी है बिल्कुल, परंतु उनको सब याद है। वो आते ही बैठते हैं भोजन करने के लिए, सुबह शाम हमारे पास आते हैं, आते ही तो वो सामने चिट्ठियाँ रखी रहती हैं जीजी के टेबल पे बहुत सारी, उसमें से छांटते हैं, देखते हैं, मेरी है कोई, मेरी है कोई, और रोज़ निराश होते हैं। मैं क्या करता हूँ, नकली उनके नाम से चिट्ठी बना बना करके मैं हर तीसरे चौथे दिन वहाँ रख देता हूँ, तो वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं अच्छा चिट्ठी आई है। वो भले थोड़ा सा पढ़ें और रख दें, चलो ठीक है, जवाब कुछ नहीं देना है, पर मैं अपने भाई की तरफ से, अपनी दोनों बहनों की तरफ से चिट्ठियाँ लिख लिख कर रख देता हूँ। मित्रों, मैं क्यों करता हूँ ऐसा? कि उनको संतुष्टि हो। वो तो उसी उम्र के हैं ना, वो तो उसी एज के हैं, 1923 के जन्म है, तो उन्होंने तो वो इलेक्ट्रॉनिक एज नहीं देखी, उनके पास तो इंटरनेट नहीं है, ना इंटरनेट करेंगे यूज़ कभी। पर आज हम लोग निर्भर हो गए हैं मशीनों के ऊपर, और जो मशीन पर निर्भर हो जाएगा वो मशीन बन जाएगा आदमी, और मशीन बन जाएगा तो मशीन बनने के बाद सबसे पहले जाएंगी संवेदना। आज का विकास संवेदना रहित विकास, संवेदना रहित विकास। हमारे पास संवेदना नहीं है दूसरे के लिए। आपको कह तो दिया, आपको हमने ईमेल भेज दिया, आपको हमने फ़ोन कर दिया, फिर आप बार बार क्यों हमको टोकते रहते हैं? अरे, वो चिट्ठी जो थी ना चिट्ठी, उसकी बात ही अलग है। चिट्ठी से जो बात जाती है, मैंने जीजी के पास डाक आती है, जीजी के पास आने वाली डाक की संख्या मात्रा बहुत कम हो गई। क्यों? वो जोन में हमारे सबके पास इंटरनेट है, सबके पास इंटरनेट से लेटर आ जाते हैं, मेरे पास आ जाता है बहुत सारा मैटर, मेरे पास आ जाता है इंटरनेट से, वो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। फिर उसके बाद कुछ लोगों के जवाब चले जाते हैं, कुछ लोगों के जवाब जो हैं फ़ोन से चले जाते हैं, तो वो कार्यक्रम भी तय हो जाते हैं ना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आजकल के आधुनिकता की वजह से, आधुनिकता के आविष्कारों की वजह से हुआ है। तो मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा आविष्कार हुआ है। मेडिकल साइंस में MRI आया, सिटी स्कैन आया, पैट स्कैन, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी आया। जल्दी बीमारी आने के पहले आपको ऐसा लगा गांठ है कोई, ब्रेस्ट में गांठ है, तुरंत आपने चेकअप कराया, पता चला, तुरंत आपने गांठ निकलवा दी, आपको कैंसर होने से बच गया। बहुत बड़ा आविष्कार। मैं समझता हूँ वैज्ञानिक जगत में चिकित्सा क्षेत्र ने जितना अद्भुत योगदान दिया है, बहुत बढ़िया योगदान दिया है। इसके अलावा कहीं भी कोई तकलीफ है तो तुरंत एक्सरे और ये सब, पर इसका दुरुपयोग भी किया है। लिंग का पता लगा लेना, भ्रूण में लिंग कौन सा है ये पता लगा लेना, उसका भ्रूण का गर्भपात करा देना, ये भी हमारे वैज्ञानिकों ने सिखाया हमको। देखिए, इतनी अच्छी मशीनें आ गई आजकल, पता लग जाएगा लड़का है कि लड़की, आपको क्या चाहिए बताइए। बस तो बस वो उससे हमारे यहाँ लिंग का अनुपात गड़बड़ाने लगा। इसके अलावा जो जिन गोलियों का आविष्कार होना चाहिए था, जैसे मैं सोचता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैंसर की, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इम्यूनिटी कम होने की, जीवनी शक्ति कमज़ोर होने की, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आदमी के लिए डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस, हर कोई कहता है मेरे पास आके कि डॉक्टर्स ने कहा है नहीं बदलवा दो, घुटना बदलवा दो, अब पूरी बॉडी बदलवा लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, बॉडी के एक एक पार्ट पर चेंज हो जाएंगे। पर वो नेचुरल बात नहीं रहेगी, आप ज़्यादा दिन नहीं चल पाओगे। आपको मालूम है कि ये सब स्वाभाविक चीज़ें नहीं हैं। ये जितने इन चीज़ों के आविष्कार किए जाने चाहिए थे, इन चीज़ों की गोलियों खोजी जानी चाहिए थी, दवा खोजी जानी थी, इसके लिए भले आयुर्वेद के साथ समझौता कर लेता विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, पर आधुनिक विज्ञान एक तरफ खड़ा हुआ है और चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा एक तरफ खड़ी, दोनों मिलकर के सहयोग करने को तैयार नहीं है। दोनों मिलकर के सहयोग करें, आयुर्वेद का विद्वान आधुनिक चिकित्सा की दवा लिखता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि भैया तू क्यों लिखता है वहाँ से। मैं मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ाता था तो मेरे पास आयुर्वेद के स्टूडेंट्स आते थे, कहते डॉक्टर साहब आपने जो ये लिखा और वो मरीज को आराम मिला, मरीज आपका कह रहा है कि आपकी दवा से आराम है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन हमको भी नोट कर लेने दीजिए। मैंने कहा क्यों, ये तो मेरी मॉडर्न मेडिसिन की दवाएँ हैं। बोले नहीं, ये फिर हम अपने पेशेंट्स को देंगे। तुमको दवा का ABC नहीं मालूम हो तो दवा दे दोगे पेशेंट को?
दवा को पढ़ने के लिए मुझे 5.5 साल मेडिकल में MBBS में लगे, फिर मैंने इंटर्नशिप की, फिर मैंने 3.5 साल में मैंने MD किया। मेरा 9-10 साल का परिश्रम तुम एक तरफ बेकार कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि प्रिस्क्रिप्शन नोट करा दो, ये कोई चिकित्सा है? ये नहीं। तो मित्रों, हो क्या रहा है आज, बिल्कुल जिसको ये बोला जाए कि नीम हकीम जगह जगह खड़े हो गए हैं और आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है मित्रों, इसमें जो खोज होनी चाहिए थी वो खोजें नहीं हुई और उसके अलावा दूसरी खोजें हो गई। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, एक ऐसी गोली का आविष्कार किया गया जिस गोली से यौन उत्तेजना बढ़े और आदमी जो है वो ठीक से वो अपना सहवास कर सकें। ये कितनी गलत बात है। उसके लिए करोड़ों अरबों डॉलर खर्च किए गए और उसके आविष्कार के ऊपर यहाँ तक की बात भी आई कि नोबेल प्राइज़ दिया जाए इस आदमी को, जो और भी चीज़ें थी उनके लिए नहीं दिया गया। विज्ञान का दुरुपयोग किस सीमा तक हो सकता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। लेटेस्ट अभी कल परसों मेरे को पता चला, आपने एक अभिनेत्री का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बहुत अच्छा है, एंजेलिना जोली नाम है उसका, वो हॉलीवुड की अभिनेत्री। उसने अपने दोनों ब्रेस्ट निकलवा दिए और दोनों ब्रेस्ट निकलवाने के बाद वो एम्बेसडर बन गई। किसकी? उस कंपनी की जिसने जीन्स पता लगाए थे, जिन जीन्स से वो उसको कैंसर हुआ था। और उसने कहा मुझे कैंसर नहीं होगा, और मैंने तो उन लोगों ने उसकी तारीफ देवी के रूप में स्थापित कर दिया, देवी महाशक्ति, और उसके माध्यम से लोगों को कितना बड़ा संदेश गया, मास टीचिंग जा रही है कि सबको जिसको गांठ हो वो सब निकलवा दें, अपना ये ब्रेस्ट निकल, कोई बात नहीं, उन्होंने तो कर दिया। पर आपको मालूम है इसके पीछे की साजिश मालूम है? $400 मिलियन में समझौता किया गया उस कंपनी के साथ जो जीन्स की रिसर्च करती है, और शेयर्स उनके एक ही रात में 40,000 गुना हो गए उस कंपनी के जो जीन्स का पता लगाती है। जो जीन बीमार पाए गए, जो ब्रेस्ट के लिए कैंसर के लिए जिम्मेदार थे, उसको पता लगाने का ठेका उसने ले लिया उस कंपनी ने। अब उस कंपनी के आज्ञा के बिना कोई डायग्नोसिस नहीं करा सकता। अब डायग्नोसिस कराने जाओगे तो पहले $5 लगते थे, अब $5,000 लगेंगे। मित्रों, उसका मुआवजा किसने ले लिया? उसने, एंजेलिना जोली ने। प्रचार ये हो रहा है कि देवी हैं, महाशक्ति हैं, देवी। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विज्ञान की विद्रूपता, विज्ञान का घिनौना स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इस विज्ञान को भाव संवेदना रहित विज्ञान कहेंगे, इस विज्ञान को प्रत्यक्षवाद कहेंगे, भोगवाद कहेंगे। मित्रों, इसी विज्ञान ने सिखाया है कि देखो, जैसे साग सब्जी खाते हैं, ऐसे मांस खाने में क्या दिक्कत है? वो भी तो भाई साग सब्जी भी तो जीवन होता है, उनमें उनको भी तो खाते हैं। ये इसने मांसाहार सिखाया। बहुप्रजनन भी हमारे यहाँ जो है वो विज्ञान की सोच के कारण आया। मित्रों, ये जो है विज्ञान के साथ अगर ज्ञान भी मिला होता है, विज्ञान क्या है? सभ्यता। विज्ञान क्या है? शिक्षा, बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। विज्ञान क्या है? जानकारियाँ। विद्या क्या है? अध्यात्म। विद्या क्या है? संवेदना। विद्या क्या है? दीक्षा। विद्या क्या है? आपके जीवन में अध्यात्म तत्व का उपज जाना, आपके अंदर से संवेदना का पैदा हो जाना। विद्यात्म अध्यात्म संस्कृति है, तो विज्ञान सभ्यता है। सभ्यता और संस्कृति दोनों का समन्वय होना चाहिए, दोनों मिलकर के चलेंगे तब जा कर के आध्यात्मिक प्रगति, भौतिक प्रगति पूरी हो सकेगी। गुरुदेव ने लिखा है उस किताब में, आप पढ़िएगा, कि मैंने सोचा कि ये चीज़ें मैं लिखूं, इसके बजाय मैंने अपने जीवन में खुद प्रयोग किया। मैंने अपनी जीवन, अपनी काया को लेबोरेटरी बना दिया, और मैंने अपनी काया को लेबोरेटरी बना करके कि साधना से क्या प्रयोग परीक्षण होता है मैं बताऊंगा, तो लोग कहेंगे कि लेबोरेटरी में कैसे प्रयोग सिद्ध करेंगे, तो लेबोरेटरी तो बाद में सिद्ध करेगी, मैंने पहले अपने जीवन में सिद्ध कर लिया। अनुशासन, अनुशासित जीवनचर्या, एक ब्राह्मण की जीवनचर्या, एक तपस्वी का जीवन, एक संयमित अनुशासित जीवनचर्या से क्या आदमी को लाभ मिल सकता है, ये सारा गुरुदेव ने कहा हमने अपने जीवन में अनुशासित जीवन जिया, गायत्री मंत्र की साधना की, और गायत्री मंत्र की साधना से जो लाभ पाया वो हमने सबके सामने रख दिया कि देखो भाई, हमारे शरीर को देख लो, हमारी काया को देख लो, हमारे मन को देख लो, हमारा मनोबल इतना 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 जबरदस्त है कि हम उससे सारी सृष्टि का एक नया तंत्र खड़ा कर सकते हैं। ये किस लिए है? क्योंकि अध्यात्म में बल है, अध्यात्म। तो जिस दिन हम लोग ये मान लेंगे कि अध्यात्म में बल है, अध्यात्म मनस्थिति का नाम है और विज्ञान परिस्थिति का नाम है। आप समझते हो कि विज्ञान से, परिस्थिति से, मॉल से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से, कंस्ट्रक्शन हो जाने से सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, जब तक मन मजबूत नहीं है। आप ले जाइए, इसमें खड़ा कर दीजिए, पैसे वाले कितने लोग हैं मित्रों, जिनके घर में सुख नहीं है, जिनके घर को, जिन बच्चों को नींद नहीं आती, माता पिता को नींद नहीं आती,
रात में गोलियां ले लेकर सोते हैं और भूत की तरह से रात को इधर उधर घूमते रहते हैं, नींद नहीं आती। पाँच पाँच छः छः दस दस गोलियां लेने के बाद भी नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये जो तथाकथित भौतिकवादी विकास है, इसने सबसे बड़ी जो बीमारियाँ दी हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रीनिया, इतने प्रकार के विकार आए हैं इसी वजह से आए। अगर हम भौतिकवादी जीवन शैली के बजाय अध्यात्मवादी जीवन शैली जिए होते, संस्कृति हमारे जीवन में उतरी होती। संस्कृति का मतलब क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है संस्कृति का मतलब? संस्कृति की परिभाषा, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में आए हो तो संस्कृति की परिभाषा आनी चाहिए आपको। कोई भी हाथ ऊंचा करके बोलो जरा, पता तो चले। हाँ, इतने अध्यापक हैं जी। जीवन जीने की कला, एक एक परिभाषा ये हुई। दूसरा भाई साहब जी, रहन सहन, खान पान, जी जी, रीति रिवाज, ये एक आउटर उसकी कोटिंग है, वैसे आउटर कवरिंग। और बताएं, आप बताएं जी, परंपराओं का निर्माण, ये तीसरी परिभाषा हुई जी, संस्कारों का निर्माण, ये ठीक है जी। बहुत सुंदर, देखिए लास्ट में बहन जी के मुंह से निकला, अच्छे गुणों की खेती, सद्गुणों की खेती। कल्चर शब्द देखिए, कल्चर शब्द कहाँ से बना है, संस्कृति शब्द कहाँ से बना है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, फलों की खेती, हॉर्टिकल्चर, फ्रूटिकल्चर, कल्चर है ना खेती, कुदाल चलाना, निराई गुड़ाई। आप लोगों में से कई किसान होंगे, आप जानते होंगे कि उनको उखाड़ना फेंकना पड़ता है, तब जा करके कुसंस्कारों को उखाड़ फेंको और सुसंस्कारों को स्थापित करो। तो अच्छे गुणों की खेती, वो खेती तब सफल होगी जब वो निराई गुड़ाई होगी अच्छी तरह से। निषेधात्मक विचारों को हटाओ, नेगेटिव चिंतन को हटाओ, पॉजिटिव चिंतन को स्थापित करो रेगुलर, डेली। और वो तीसरे भाई ने जो संस्कार जो कहे थे, संस्कारों के माध्यम से संस्कृत अच्छे विचारों की खेती, संस्कारों के माध्यम से अच्छे विचारों की खेती, संस्कृति की परिभाषा। हम लोगों ने रहन सहन, जीवन शैली, खान पान, ये भी संस्कृति है, पर आउटर हिस्सा है इसका, बहिरंग बहिरंग कोटिंग। और उसमें क्या कर दिया लोगों ने, डांस को डाल दिया है, हेमा मालिनी का डांस है, उसको कह दिया सांस्कृतिक कार्यक्रम। संस्कृति हो रही है, संस्कृति हो रही है, संस्कृति मंच है, संस्कृति मंच बना दी है, और लोगों ने उसको डांस को ये रूप दे दिया। मतलब डांस एक उसका आयाम है, 1% आयाम है, 99% तो अध्यात्म है। संस्कृति ने अध्यात्म, आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में उपार्जन करने की कला, आध्यात्मिक मूल्यों को उत्पादित करने की कला, और उसको उत्पादित करके जीवन में जीने की कला, जीवन में कैसे उतारा जाए, जीवन में कैसे जिया जाए। विनम्रता है, सदाचार है, कैरेक्टर निर्माण है, आत्मविश्वास को मजबूत करना है, ईश्वर विश्वास को मजबूत करना है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगे? तो आप लोग आए हैं तो आप यहाँ से इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से समझाने जाइए, संस्कृति को लोगों को वैज्ञानिक ढंग से समझाइए। संस्कृति यानी अध्यात्म को विज्ञान सम्मत ढंग से प्रतिपादित करने का काम आपको करना है। संस्कृति यानी अध्यात्म को आज की परिभाषा के अनुसार, आज चूंकि हम जिस जमाने में जी रहे हैं ना, 21वीं सदी के लोग जिस भाषा को समझते हैं, उस भाषा में समझाने की जरूरत है। तर्क तथ्य प्रमाणों की भाषा में बताइए लोगों को, संवेदना की भाषा, संवेदना को प्रतिपादित करिए तर्क तथ्य प्रमाणों के माध्यम से, तब जाकर के दोनों का समन्वय होगा। जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, ये तो धर्म क्षेत्र में विकृतियाँ कम नहीं आईं। लोगों ने बाबागिरी, बाजीगिरी और दुनिया भर की चीज़ें, गुरुदेव ने अपने उस किताब में लिखा है कि ढेर सारी प्रवंचनाएँ, विडंबनाएँ उस नाम पे आ गई। कर्मकांड को ही सब कुछ मान लिया गया, जबकि कर्मकांड बहिरंग मात्र था। और लोगों ने कह दिया वो समोसे के साथ हरी चटनी मिला के नहीं खाई थी, इसलिए तुमको लाभ नहीं मिला। एक बाबा जी का प्रवचन सुना होगा आपने, है ना, सुना था कि नहीं आपने? अब आप अभी तक आप लाल चटनी मिला खाते रहे, अब हरी चटनी मिला खाइए। इतने अज्ञानी हो गए हम कि हम बाबा जी की बात में आ गए, बाबा जी जो कह रहे हैं वही बाबा वाक्यम प्रमाणम। तो 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी में ऐसे बाबा जी भी जिंदा हैं। विज्ञान का जब उद्भव होगा तो ऐसे बाबा जी नष्ट होंगे, ठीक है ना? ये प्रपंच फैलाने वाले लोग नष्ट होंगे, ये तो बहुत बढ़िया लाभ हुआ, पर नुकसान ये हुआ कि बाबा जी नहीं, भगवान भी नहीं है। अरे बाबा जी नहीं तो भगवान को क्यों नकार रहे भाई? बाबा जी ने भगवान को जीवन में नहीं उतारा तो आप बाबा जी को क्यों बिगाड़ रहे? वो भगवान को क्यों के पीछे क्यों पड़ गया हाथ? भगवान हमारे प्राण में, हर श्वास में, आत्मबल के रूप में, प्राण बल के रूप में, ओजस के रूप में, तेजस के रूप में हमेशा मौजूद है। आप अनुभव तो करिए, भगवान अनुभूति का विषय है। भगवान को, संवेदना को, प्यार को, आत्मीयता को माता पिता, माँ अनुभव करती है,
माँ वास्तव में सही अर्थों में अपने बच्चे की सारी चीज़ों को समझती है, पिता जो है ना वो थोड़ा बहिर्मुखी होता है। बच्चा जब रोता है, आपने देखा होगा कि बच्चा जब रोता है तो उसको माँ जब गले से लगा लेती है तो कितनी जल्दी चुप हो जाता है, वो पिता गले से लगाए तो और ज़ोर से रोने लगता है। आप बुरा मत, हो सकता है आप में से किसी गोद में जाने पर चुप हो जाता हूँ, इसका वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण क्या है कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो जो लपडप चलती रहती है ना, वो उसको लगती है कि इससे बढ़िया नादयोग कोई नहीं हो सकता। वो सुनता रहता है। 9 महीने तक जो उसने सुना है वो उसके लिए बहुत बढ़िया संगीत है, उसको मिस करता है। जन्म लेने के बाद बाहर आता है तो मिस करता है, जैसे ही वो माँ छाती से लगाती है उसको फिर से म्यूजिक सुनाई पड़ जाता है, वो तुरंत सो जाता है। ये माँ की संवेदना है। जब हम माँ की संवेदना हर व्यक्ति के अंदर पैदा कर सकेंगे, जब हम माँ का वात्सल्य हर व्यक्ति के अंदर पैदा कर सकेंगे और उसके अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा कर सकेंगे, तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद साकार हो जाएगा। मित्रों, ये हमारा आज का विषय है कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद अगर खड़ा हो जाएगा तो भारत विश्व में कोई युद्ध नहीं होंगे। विज्ञान के विकास के साथ युद्धों की बढ़ोतरी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध 1913 से 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1937-38 से शीत युद्ध चालू हुआ और 1945 में जाके समाप्त हुआ। उसके बाद करीब करीब 20,000 छोटे मोटे युद्ध हो चुके हैं और अभी भी अणु परमाणु बमों के जखीरे रखे हैं। ये युद्ध तब जाएंगे, हिंसा तब समाप्त होगी। कितनी अकल लगानी पड़ती है उग्रवादी को बम बनाने में, न जाने कितनों की जाने जाती हैं, सब कुछ जाती हैं, पर वो किसी दूसरे को मारने के लिए कितनी अकल लगाता है। यही अकल अगर भगवान के काम में नियोजित होने के लिए लगाई जाए तो कितना बड़ा काम हो सकता है। मित्रों, राष्ट्र निर्माण के लिए लगाई जाए तो कितना बड़ा काम हो सकता है। तो ये जो विज्ञान का विकास है, इस विज्ञान के विकास को दिशा देनी पड़ेगी। विज्ञान के विकास को दिशा केवल अध्यात्म दे सकता है। विज्ञान तेज गति से चलने वाला घोड़ा है जिसके पास कोई नहीं है, अंकुश लगाने वाला कोई नहीं, उसकी अंकुश अध्यात्म के द्वारा लगा सकता है। और अध्यात्म में गति लाने का काम, अध्यात्म में वैज्ञानिकता लाने का काम, अध्यात्म में प्रगतिशीलता लाने का काम, अध्यात्म में जितनी प्रकार की जो भी सेवा साधना की प्रक्रिया होती हैं, जैसे हम लोगों ने वृक्ष गंगा अभियान चालू किया, हम नदियों की सफाई का अभियान चालू किया, ये सब लाने का काम कौन कर सकता है? ये अध्यात्मविद कर सकते हैं, अध्यात्मवेत्ता कर सकते हैं। जब वो वैज्ञानिकता के साथ बोलेंगे और वैज्ञानिकता के साथ बोल करके अपनी बात समझाएंगे तो समझ में आएगी। इन कथाओं से कुछ नहीं होने वाला भाई, जो मैं कथावाचकों के खिलाफ नहीं हूँ, पर कथाओं से मैं कुछ नहीं होता। वो कृष्ण भगवान आ जाते हैं बीच में और लाला के घुमाते रहते हैं और न जाने कितनी 25-30 महिलाएं बीच में खड़ी हो जाती हैं, डांस करने लगती हैं, जोर से डांस कर। इनसे क्या होगा? इनसे युग निर्माण कैसे होगा? युग परिवर्तन कैसे होगा? मैं भगवान कृपा है कि मुझे कभी किसी कथा में जाने का नहीं मौका मिला। एक बार गुरुजी ने भेजा था मुझे, हम सब गए थे, मैं, गौड़जी भाई साहब और हमारे वीरेश्वर भाई साहब, सभी भाई साहब, बड़े भाई साहब, डोंगरे जी की कथा सुनने गए थे। आनंद आ गया, कथा में जो जान थी वो सुन के आनंद आ गया, कथा में जो प्राण था, अध्यात्म तत्व ज्ञान था वो सुन के, गुरुजी ने भेजा था, सुन के आओ बेटा। वो आदमी अपने हाथ में थोड़े से मूंग रखता है, बस वो मूंग ही खाता है और जीवन को तपस्या से, उसने अपने पास कुछ नहीं रखता, सब बांट देता है, सब पूरा न जाने उसके नाम पे कितने विद्यालय चले, असली ब्राह्मण है, देख क्या उसको। आज तो इतने कथावाचक हैं, जिसको देखो कथावाचक, खूब मनोरंजन करते हैं, फिल्मी गाने सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। अभी मुझे जाने का मौका मिल गया एक कथा में, तो मित्रों मजबूरी में जाना पड़ा मेरे को। वो कथावाचक का बहुत बड़े कथावाचक हैं भागवत के, पूरे इस देश के, और मेरी मैत्री भी है, मेरे साथ कई सभाओं में मेरे साथ शिरकत कर चुके हैं। उन्होंने खूब दबाव डाला कि नहीं एक कथा में तो आपको आना ही पड़ेगा। मैं गया, वो जाने के बाद मैंने देखा तो मैं उन नाटक को मैं रिकॉर्ड करके ले आया, वो पूरा डांस करने वाली महिलाएं डांस कर रही हैं, पूरे 500-600 लोग हो रहे होंगे। मुझे लगा पढ़ा लिखा तबका अगर इसको देखेगा और आज का युवा वर्ग इसको देखेगा, नाचने वाली महिलाओं को, इन सबको, तो लगेगा कि यही है क्या अध्यात्म, यही अध्यात्म है क्या? अगर यही अध्यात्म है तो ये अध्यात्म से अच्छा है हम दूर ही हैं, बहुत दूर है। तो इससे तो अच्छा फिल्मी वाले, वो भी डांस करते रहते हैं, ये भी डांस कर रहे हैं, दोनों एक ही तो, एक जैसे ही तो हुए, चाहे वहाँ का देख लो, चाहे मनोरंजन बना दिया। कथा से कुछ नहीं होगा, कथा में जब तक प्राण नहीं आएगा, अध्यात्म का तत्व ज्ञान का प्राण नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। से बहुत ऊंची ऊंची बातें भी करते हैं, परंतु ये जो ढोंग आ जाता है बीच में, ये जो दिखावा आ जाता है, वो गड़बड़ा जाता है और लोग फिर उनको भगवान मानने लगते हैं। ये नए नकली भगवान बन गए सब के सब,
सारे के सारे कथावाचक जो हैं भगवान बन जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दीक्षा देते हैं, और उसके बाद फिर न जाने कितने कितने तरह की लूटबाजी करते हैं। मित्रों, ये इसलिए कह रहा हूँ मैं कि धर्म के नाम पर छाए हुए व्यभिचार को, भ्रष्टाचार को मिटाना भी हम लोगों का काम है। ये वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से ही संभव है। तो धर्म और विज्ञान, ये दोनों के दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ धर्म है, एक तरफ विज्ञान है। आप ये समझते हो दोनों अलग अलग है? नहीं, दोनों अलग अलग नहीं है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक साथ मिलकर चल सकते हैं, दोनों सहोदर हैं, एक ही उदर में पैदा हुए दो भाई बहन हैं। दो भाई मान लीजिए, बहन मान लीजिए, दो भाई बहन मान लीजिए, जुड़वा हैं दोनों, ये मान लीजिए। और भगवान ने इन दोनों को खड़ा किया है, तो इसलिए खड़ा किया है कि दोनों मिलकर के साथ चलेंगे तो प्रगति होगी, सर्वांगीण प्रगति होगी। आप जब भी बच्चों को संस्कृत ज्ञान परीक्षा के माध्यम से बताएं, या आप जब भी जाएं, तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के बारे में जरूर बताइए। परम पूज्य गुरुदेव ने विराट परिमाण में साहित्य लिखा है। भविष्य का धर्म, वैज्ञानिक धर्म वांग्मय है, अपने दो वांग्मय है इसके ऊपर। और भविष्य का धर्म वैज्ञानिक धर्म होगा तो नई पीढ़ी जुड़ेगी धर्म से, नहीं तो नहीं जुड़ेगी। नई पीढ़ी को जोड़ना है तो इसी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से जोड़ना पड़ेगा। मित्रों, एक कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करूँगा, छोटी सी कथा है। एक गांव में आग लग गई, और वह आग ऐसी लग गई कि बस अब उस आग में दो लोग फंस गए, एक अंधा था, एक पंगा था। अंधा और पंगा, अब दोनों, अंधे को दिखे नहीं कि आग है पर तो गर्मी महसूस हो रही, पंगे को दिख रहा है कि आग आ रही है इधर पर, दौड़ नहीं सकता। तो उन दोनों ने आपस में बातचीत की कि भैया कैसे निकलें बाहर। तो पंगे को सहारा मिला, पंगे ने कहा कि भाई ऐसा कर, तू चल तो सकता है, तेरे पाँव अच्छे हैं, तू मेरे को अपने कंधे बिठा ले, तू मेरे को अपने कंधे बिठा ले, मैं तुझे बताते चलूँगा किधर से चलना है, किधर से चलना है। तो अंधे ने कहा अच्छा चल, तू मेरे कंधे बैठ जा। पंगे ने कहा मैं चल तो नहीं सकता पर मैं दिखाता चल सकता हूँ तेरे को, बाएँ मुड़ जा, हाँ अब थोड़ा बाएँ और फिर इधर, तो आग से निकल जाएंगे। सारे समाज में भोगवाद की आग लगी हुई है, सारे समाज में विषमता की आग लगी हुई है, जातिवाद की आग लगी हुई है, सारे समाज में राजनीतिक भ्रष्टाचार की आग लगी हुई है, सारे समाज में प्रदूषण की आग लगी हुई है। ऐसी ही उस आग में से जैसे वो दोनों निकले, रास्ता निकालते हुए निकल गए, उसी तरह से पंगा हमने कर दिया अपने धर्म को, अध्यात्म को बेड़ियों में डाल के जकड़ दिया, बंद कर दिया, ये करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। अरे भगवान कभी किसी भी नाराज़ नहीं होते, भगवान से ज़्यादा क्षमाशील कोई नहीं होता। भगवान हमेशा सारे ग्रह नक्षत्रों को एक ही बात पड़ी है कि आपके आपके ऊपर अटैक करते रहे, आपके ऊपर अटैक करते रहे। वो देखो, वो शांति कुंज के रामकृष्ण हॉल में वो फ्रंट वाली लाइन में, वो तीसरी लाइन में बैठा है, उसके ऊपर आक्रमण करना है आज, उसके ऊपर नेगेटिविटी का आक्रमण करना है, उसकी ग्रह दिशा बिगाड़नी, ये इसी के लिए बैठे हुए हैं। ज्योतिर्विज्ञान सही हो सकता है पर ज्योतिर्विज्ञान का फलित पक्ष बिल्कुल घटिया है, उसको आप कभी जीवन में मत सोचना कि ऐसा होता है। मेरे बारे में लोग कहते रहते हैं, मुझे थोड़ी तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई, यहाँ की लोगों ने कहा आपका ये, आप ज्योतिष ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें तो ये हो जाए। मैं कोई कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा ज्योतिषी मेरा मेरे गुरु हैं, और गुरु ने चाहा होगा तो ये हो गया, और ये गुरु ने चाहा तो ये भी ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मन में किसी प्रकार की निराशा को नहीं आने देना चाहिए, निराशावाद सबसे बड़ी बीमारी है। निराशावाद और भय, ये दो जीवन के सबसे बड़े पाप हैं, इनको जीवने मत आने दीजिए। आशावादी रहिए, और आशावादी रह करके जैसे वो दोनों पंगे और अंधे, अंधा कौन है? विज्ञान। उस विज्ञान को दिशा दी किसने? धर्म ने। पर धर्म के बैसाखियाँ थीं, बैसाखियों पर चलने वाला धर्म था, उसको बैसाखियाँ प्रदान कीजिए और विज्ञान को आँख प्रदान कीजिए। जब उसको आँख मिल जाएगी और इसको जब पाँव मिल जाएंगे तो दोनों मिलकर के खूब तेज गति से प्रगति करेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव माता जी का। परम सिद्ध हमारे सबके सुपरिचित डॉक्टर साहब ने धर्म विज्ञान के गूढ़ तथ्यों को बड़े ही सुबोध सरल शब्दों में हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। अब सब लोग प्रणाम करेंगे और शांति पाठ के बाद थोड़ा बैठेंगे, कल की सूचना सुन लेंगे। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शुरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय श्वासते सहस्रकोटियुगधारणे नमः।